तो हे गाइस, माय नेम इज़ यान और स्वागत है आप लोगों का माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे तुम लोग माइनक्राफ्ट में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, वो भी बिना साइनिंग के। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम लोगों को साइनिंग के साथ बताया था। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार बिना साइनिंग के बताओ। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि लोगों को साइनिंग करने में दिक्कत क्यों आती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत मुश्किल है क्या? बोलो बोलना माशा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक लास्ट चीज़ रह गई है, तो उसे करते हैं। तो ये है शाउट आउट टाइम। तो आज का पहला शाउट आउट जाता है डूड एक्सक्यूट को और दूसरा जाता है स्ट्रीमर लॉगी को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू गाइस। तो अगर तुम्हें भी शाउट आउट चाहिए तो बस उसके लिए तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करना होगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास दो डिवाइस है और दोनों में ही साइन इन नहीं है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है वो समझो। तो तुम लोगों को क्या करना है, अपने एक फ़ोन में वाईफाई चालू करना है और दूसरे फ़ोन में हॉटस्पॉट। और वाईफाई तुम लोगों को उस डिवाइस में चालू करना है जिसमें तुम लोगों को खेलना है, मतलब जिसके वर्ल्ड में तुम लोग खेलना है। तो मान लो अगर तुम्हें अपने दोस्त के वर्ल्ड में खेलना है तो तुम लोगों को उसके फ़ोन का वाईफाई चालू करना होगा और उसे अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होगा। तो ये है मेरा वाईफाई वाला डिवाइस। तो तुम लोगों को इसमें एक दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तुम लोगों को सेटिंग्स में जाना है और इस यूज सेलुलर डेटा वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। उसके बाद तुम लोग बैक आना और इधर आना। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आना और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना। और अगर नया वर्ल्ड ने किसी पुराने वर्ल्ड में खेलना है तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें ये मल्टीप्लेयर वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, वरना फिर इन्वाइट नहीं जाएगा। इतना सब करने के बाद सिंपली वर्ल्ड को क्रिएट कर देना। तो अब हम चलते हैं अपने हॉटस्पॉट और डिवाइस पर, क्योंकि इसमें जो करना था हम लोगों ने कर दिया। तो ये है मेरा हॉटस्पॉट और डिवाइस। तो तुम लोगों को इसमें सिर्फ एक चीज़ करना है, सेटिंग्स में जाना है और इस यूज सेलुलर डेटा वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। ध्यान रखना वाईफाई वाले डिवाइस पर तुम लोगों को इसको ऑफ रखना है, मगर इस हॉटस्पॉट वाले डिवाइस पर तुम लोगों को इस चीज़ को ऑन रखना है। इतना करने के बाद तुम लोग प्ले पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे आना फ्रेंड सेक्शन में, तो तुम लोगों को इनवाइट दिख जाएगा। बिना साइनिंग खेलने का यही फ़ायदा है कि तुम लोग सामने वाले को इनवाइट नहीं भेजना पड़ता। तुम लोग जैसे ही वर्ल्ड में एंटर करोगे ऑटोमेटिकली सामने वाले को इनवाइट चला जाएगा। तो जैसे ही तुम लोग इस इनवाइट पे क्लिक करोगे तुम लोग वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि हम वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। तो और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क भी कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बिना साइनिंग के और बिना ऑमलेट आर्केड के तुम लोगों को माइनक्राफ्ट में मल्टीप्लेयर खेल के दिखाऊंगा, तो मैंने वो तो कर दिया। I'm a man of my word. और दूसरी बात, तुम लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे किस पर वीडियोस बनाने चाहिए। उससे क्या होगा, मेरी काफ़ी टाइम बच जाएगी, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किस पर वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो अब टाइम आ चुका है मेरे जाने का। अबे ओ भाई, जाने का टाइम मतलब वीडियो ख़त्म, टाटा गुड बाय। कुछ और मत सोचने लगना तुम लोग, वैसे भी तुम लोगों की आजकल सोचने समझने की शक्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। चलो बाय।